तो दोस्तों ओटी स्टोरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे बहुत से सैमसंग के एप्लीकेशंस और यहाँ पे शॉमी के फोन्स को यहाँ पे नए फोर जी अपडेट्स आए हैं और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी जेसर नेक्स्ट के यूजर्स के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले फोन की बात करूँ तो सबसे पहला डिवाइस आपको देखने को मिल जाता है वो यहाँ पे Xiaomi का Redmi Note 5 है, जिसे MIUI 9.6.5.0 का एक नया अपडेट आया है, जो कि Android वर्जन ओरियो का अपडेट है। Android वर्जन 8.1 का आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर इंप्रूवमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है फ्रंट कैमरा में। यहाँ पर आपको नया सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है, जो कि August 2018 का है। और यहाँ पर आपको पिक्चर इन पिक्चर मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। बात करके कुछ बग्स के बारे में, तो यहाँ पर जो अपडेट है इसमें यहाँ पर आपको बैटरी ट्रेनिंग के भी कुछ इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको अपने Redmi Note 5 में कोई इस तरह के बग्स देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगली न्यूज की तरफ। जो अगली न्यूज आ रही है वो यहाँ पे Xiaomi की तरफ से आ रही है। Xiaomi ने यहाँ पर अपना एक नया ग्लोबल बीटा रोम रिलीज किया था रिसेंटली, जो कि था MIUI 8.8.30। तो यहाँ पे जो अपडेट था ये दो डिवाइसेस के लिए यहाँ पे सस्पेंड हो चुका है रिसेंटली, जो कि है Redmi 3S एंड Redmi 3S Prime और Redmi Note 3। इन दोनों ही डिवाइसेस को यहाँ पर जो है यहाँ पर MIUI 8.8.30 का जो अपडेट है वो यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको वेट करना होगा, जैसे ही कोई और न्यूज आती है Xiaomi के रिलेटेड तो आपको सबसे पहले चैनल पे न्यूज मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले न्यूज की तरफ। जो अगली न्यूज आ रही है वो यहाँ पे Samsung Galaxy J7 Next के यूजर्स के रिलेटेड आ रही है। यहाँ पे J7 Next को आउट ऑफ कंट्री में Android Oreo का अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप इंडिया में भी वेट कर रहे हैं कि J7 Next को कब तक Android Oreo का अपडेट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको विदिन 1 वीक जरूर अपडेट देखने को मिल जाएगा। आप वेट कीजिए, जैसे ही अपडेट आएगा आपको चैनल पे उसके रिगार्डिंग न्यूज मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको जल्दी चैनल पे इंस्टॉलेशन वीडियो भी मिल जाएगी जैसे ही ये अपडेट इंडिया में भी आता है। तो यहाँ पर मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे दे दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस अपडेट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मैंने एक आर्टिकल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां जाकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं इस अपडेट के बारे में, तो उस लिंक पे भी जरूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो यहाँ पे Samsung Galaxy S9 Plus के रिलेटेड आ रही है। यहाँ पे Samsung Galaxy S9 Plus को स्पॉट किया गया है Android Pie के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे Geekbench के स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, जो S9 Plus है वो रन कर रहा है यहाँ पर Android Pie के साथ। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो Samsung Experience है उसे यहाँ पर अननोन दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो Samsung है वो अभी के लिए सिर्फ इंटरनली टेस्टिंग स्टार्ट की गई है। यहाँ पर जल्दी आपको अक्टूबर या फिर स्टार्टिंग नवंबर में बीटा टेस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो जैसे बीटा टेस्टिंग स्टार्ट होती है तो आपको चैनल पे न्यूज मिल जाएगी। तो मैं बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। जो अगली न्यूज आ रही है वो यहाँ पे Samsung कुछ एप्लीकेशंस के रिलेटेड आ रही है। यहाँ पे Samsung कुछ एप्स में यहाँ पे नए अपडेट्स आए हैं, जो कि Samsung Galaxy गेम लॉन्चर, Samsung बिलिंग एप्लीकेशन और यहाँ पे Samsung के जो पे फ्रेमवर्क है उसमें भी यहाँ पर एक नया अपडेट आया है। तो सिंपली आपको गैलेक्सी एप्लीकेशन में ओपन करना है, वहां पर आपको अपडेट का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, वहां जाके इन सारी एप्लीकेशंस को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। जो अगली न्यूज आ रही है वो यहाँ पे Samsung Galaxy J7 Max और J7 2016 के यूजर्स के रिलेटेड आ रही है। यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस को स्पॉट किया गया है Geekbench पे Android वर्जन 8.1 के साथ। तो यहाँ पे Samsung ने जो है दोनों ही डिवाइसेस की टेस्टिंग को स्टार्ट कर दिया है और आपको जल्दी ही इन दोनों डिवाइसेस के लिए Android Oreo का अपडेट फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही अपडेट आएगा तो उसके रिलेटेड आपको चैनल पे न्यूज मिल जाएगी, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द एंड्रॉइड को भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें वहां पर भी DM कर सकते हैं, ताकि हम आपका एक ऑर्गेनाइज वे में रिप्लाई कर सकें। तो मेरा नाम है अमित, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।